वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 12th। द नेम ऑफ द बुक फ्लेमिंगो चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन ध्यान से सुनने हैं और अपना क्वेश्चन ध्यान से समझने हैं और अपना आंसर अच्छे से लर्न करना है। मैं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। मुकेश वॉन्ट्स टू लर्न टू बिकम मोटर मैकेनिक बाय, यानी कि मुकेश सीखना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है अपनी लाइफ में, यानी कि वो क्या करता है इसके लिए। मुकेश वॉन्ट्स टू लर्न टू बिकम मोटर मैकेनिक बाय फाइंडिंग ए ट्यूटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यानी कि वो गोइंग टू गैरेज टू लर्न, पहले ऑप्शन में क्या वो एक ट्यूटर ढूंढना चाहता है जो उसे सिखाएगा, या सेकंड ऑप्शन है कि वो किसी गैरेज में जाकर सीखना चाहता है। थर्ड देखिए, बाय रीडिंग बुक्स या किताबों के द्वारा, या ऑप्शन डी बाय ज्वाइनिंग अ स्कूल या स्कूल ज्वाइन करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोइंग टू अ गैरेज टू लर्न। ठीक है, वो गैरेज जाना चाहता है सीखने के लिए। सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है व्हाट बॉदर्स द ऑथर मोस्ट, द बैंगल मेकर्स, यानी कि लेखक को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती है, बॉदर का मतलब परेशान करती है, जो बैंगल मेकर्स हैं उनके बारे में या उनको लेकर। फर्स्ट, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी इन कास्ट, ठीक है, यानी कि एक तरह से जो गरीबी है, जो जाति भेद है, ठीक है, जो एक तरह से उत्पीड़न है गरीबी को लेकर। द नेक्स्ट वन बी, द एफ्लुएंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड हैं उनके अत्याचार, ठीक है। द नेक्स्ट सी, द बिहेवियर ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, या बिहेवियर जो फैक्ट्री ओनर्स का है। ऑप्शन डी, द लेबर लॉस, यानी कि जो कानूनी नियम बनाए गए हैं मजदूरों के प्रति वो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वन वंडर्स, एक व्यक्ति अजीब या हैरान हो जाएगा, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, अगर उसने पाया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड। ऑब्वियसली अगर कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ को पा लेता है, हासिल कर लेता है, जिसे कई लोग पाने में असफल हुए हैं या असमर्थ हुए हैं, टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं लेकिन वो उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। ही हैज़ रूफ ओवर हिज शेड, यानी कि उसने अपने घर पे, यानी कि अपने लिए छत बना ली है। दीज लाइन्स वर सेड इन द रेफरेंस टू द कंडीशन ऑफ, ये लाइन किसके संबंध में कही गई है, यानी कि ये लाइनें किसने कही है, ठीक है। ऑप्शन ए, द एल्डरली वुमेन्स ओल्ड हस्बैंड, जो बूढ़ी महिला है उसके पति को लेकर, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी, मुकेश फादर, मुकेश के पापा को लेकर। ऑप्शन सी, द बैंगल फैक्ट्री ओनर, या बैंगल फैक्ट्री ओनर को लेकर। या ऑप्शन डी, मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई को लेकर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द एल्डरली वुमेन्स ओल्ड हस्बैंड, यानी कि बूढ़ी महिला जो है उनके पति के बारे में, ठीक है। जो दादी जी हैं वो बताती हैं ये सारी बातें इस चैप्टर में कि अभी मेरे हस्बैंड ने अपनी लाइफ में अपने सर पे छत तो बना ली है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व एज अ सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन्स सुहाग, यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो महिलाएं जो होती हैं, जो सुहागन होती है, सुहाग के लिए एक उसका प्रतीक है। आई रिपीट अगेन, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वह कौन सी वस्तु है बिलो, यानी कि जो नीचे दी गई है, बेस्ट, जो सबसे अच्छी सर्व्स करती हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एज ए सिंबल ऑफ द इंडियन वुमेन्स सुहाग। ऑप्शन ए, बिंदी, बिंदी है। ऑप्शन बी, सिंदूर, सिंदूर है। ऑप्शन सी, बैंगल्स, बैंगल्स हैं। या ऑप्शन डी, हिना डाई हैंड्स, यानी कि हाथों में लगाने वाली मेहंदी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बैंगल्स, क्योंकि ये चैप्टर बैंगल्स का है। वैसे तो सभी हैं लेकिन ये चैप्टर्स क्या है, लॉ स्प्रिंग है, एक बच्चा जो मोटर मैकेनिक का काम करता है, और दूसरा रैक पिकर्स है, जो मुकेश है उसके घर वाले बैंगल्स का काम करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या है? बैंगल्स, ठीक है। चलिए सी द नेक्स्ट वन, जैसे आई विल लुक द क्वेश्चन नंबर 5। सनी गोल्ड, ठीक है, सुनहरे रंग की, पैडी ग्रीन, ग्रीन, रॉयल ब्लू, ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। कहते हैं कि जैसे इंद्रधनुष के कलर होते हैं ना, वैसे ही ये सारे रंग हैं। एंड व्हाट
व्हाट इज़ द रेफरेंस इस टू, यानी कि व्हाट इज़ दिस अ रेफरेंस टू, यानी कि ये किससे संबंध रखती है ये चीज़ें। ऑप्शन ए क्लोथ्स कपड़ों से, ऑप्शन बी बर्ड्स पक्षियों से, ऑप्शन सी बैंगल्स चूड़ियों से, ऑप्शन डी बिंदीज या बिंदियों से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बैंगल्स। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे कलर्स हैं चूड़ियों के। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर, यानी कि मुकेश के पिताजी क्या करते थे बिफोर ही बिकेम अ बैंगल मेकर, यानी कि चूड़ी बनाने वाले से पहले, यानी कि जब वो चूड़ी बनाना शुरू करते हैं उससे पहले वो क्या काम करते थे। ऑप्शन ए टेलर, वो दर्जी थे। ऑप्शन बी कारपेंटर, वो कारपेंटर यानी कि बड़े थे। ऑप्शन सी प्लम्बर, यानी कि जो टूटी वगैरह ठीक करते हैं, ठीक है, या फिटिंग करते हैं। ऑप्शन डी मैसन या मिस्त्री थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टेलर, यानी कि उसके पापा दर्जी थे। डियर स्टूडेंट्स, अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, बट हमें अपना काम करना है, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। सो द नेक्स्ट वन, द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज, यानी कि जो पर्दे में महिला थी वो कौन थी मुकेश की इस लेसन के अंदर। ऑप्शन ए मदर यानी कि मम्मी थी, ऑप्शन बी एल्डर्स ब्रदर्स वाइफ बड़े भाई की पत्नी थी, ऑप्शन सी वाइफ पत्नी थी, या ऑप्शन डी नीस भतीजी थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, एल्डर ब्रदर्स वाइफ बड़े भाई की पत्नी, यानी कि उसकी भाभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट हैव अ लुक, इफ़ लॉज वर टू बी इन्फोर्स, अगर नियमों को बनाया जाए और लादा जाए कानून के, इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइफ ऑफ अबाउट, यानी कि जैसे मान लो इस लेसन के आधार पर अगर कानून बनाए जाते हैं या थोपे जाते हैं, ठीक है, अगर उनको बदल दिया जाए तो किसे रिलीफ मिलेगा इस लेसन के हिसाब से। जैसे हैव अ लुक, ऑप्शंस ए है 10,000 चिल्ड्रन 10,000 बच्चों को, बी 20,000 चिल्ड्रन 20,000 बच्चों को, सी 100 चिल्ड्रन 100 बच्चों को, डी 1,000 चिल्ड्रन 1,000 बच्चों को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 20,000 चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए सीधे नेक्स्ट वन, क्योंकि 20,000 बच्चे थे इस स्टोरी के हिसाब से। सीधे नेक्स्ट वन, जैसे 10,000 तो माइग्रेट होके आए थे ना वहाँ से, लोग छोटे छोटे बच्चे काम करते, तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ क्या दिखाई गई है, 20,000, 20,000। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द टाउन ऑफ, यानी कि बेंगल उद्योग कहाँ पर फ्लोरिश का मतलब पनपते हैं या पनपे हैं या बनाए गए थे। ऑप्शन ए फिरोजपुर, फिरोजपुर में, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, ऑप्शन सी फिरोजगढ़, फिरोजगढ़ में, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फिरोजबाद, फिरोजाबाद। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली, मुकेश संबंध रखता था किस परिवार से। ऑप्शन ए फार्मर्स किसानों से, ऑप्शन बी रैक पिकर्स कूड़ा बीनने वालों से, ऑप्शन सी बैंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वालों से, ऑप्शन डी मोटर मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स जो गाड़ियों की मरम्मत करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, बैंगल मेकर्स। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन देखिए, वन डे साहिब वॉज सीन बाय द ऑथर, एक दिन देखा गया साहिब को लेखक के द्वारा, यानी कि जो इसमें लेखिका है एनिस जंग, वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, यानी कि कुछ यंग बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन ए क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे थे, ऑप्शन बी टेनिस, टेनिस खेल रहे थे, ऑप्शन सी हॉकी, हॉकी खेल रहे थे, ऑप्शन डी सॉसर या सॉसर खेल रहे थे। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेनिस, यानी कि कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे थे तो वहाँ पर उसने ऑथर को देख, मतलब कि साहिब को देखा ऑथर ने, एनिस जंग ने। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको भी पता लग गया कि ऑथर कौन है, यानी कि एनिस जंग है। ठीक है, चलिए सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि लेखक की लेखिका के अनुसार, रैक पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द पास्ट ईयर्स, यानी कि क्या बन गया है कूड़ा बीनने का काम। ऑप्शन ए प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशनली, यानी कि जो काम करते हैं प्रोफेशनल्स, वो बन गया, या फाइन आर्ट,
फाइन आर्ट या फिर ट्रेडिशन यानी कि एक परंपरा बन गई है या कल्चर हमारी संस्कृति है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि फाइन आर्ट। कूड़ा बीनना भी एक कला है। कूड़े में से कभी कुछ कीमती वस्तुएं मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, है ना, तो ये क्या होगी, एक तरह से फाइन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, रैग पिकर्स के पास कोई पहचान नहीं है लेकिन वो क्या है उनके पास? ए परमिट्स, परमिट है। बी पासपोर्ट, पासपोर्ट है। सी राशन कार्ड्स, राशन कार्ड्स है। डी लाइसेंस, लाइसेंस है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परमिट्स, ठीक है, इनके पास परमिट है। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, चौदवा क्वेश्चन देखिए, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है स्थित? ऑप्शन ए द साउथ ऑफ दिल्ली, ऑप्शन बी मंगोलपुरी, ऑप्शन ए क्या है साउथ दिल्ली में या फिर मंगोलपुरी में, ऑप्शन सी जहांगीरपुरी यानी कि जहांगीरपुरी में, या ऑप्शन डी सीमापुरी, सीमापुरी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सीमापुरी, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस हैव ए लुक। 15वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम द उद्पी प्रे फॉर व्हेन ही वॉज यंग, यानी कि जो उद्पी से था वो प्रे करता था व्हेन ही वॉज यंग, वो क्या करता था अपनी प्रेयर में, कब करता था? व्हेन ही वॉज यंग, जब वो छोटा था। ऑप्शन ए अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, उसे एक पेयर ऑफ ट्राउजर्स यानी कि पैंट चाहिए थी। अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते चाहिए थे। अ न्यू अ फ्यू फ्रेंड्स यानी कि कुछ दोस्त चाहिए थे। एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन स्कूल, यानी कि उसका मन था कि वो भी स्कूल में जाके पढ़े, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अ पेयर ऑफ शूज, वो चाहता था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए, ठीक है। जस्ट सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 16। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने और इसको याद करें ताकि आप अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स सिक्योर करें, ठीक है, क्योंकि इस साल भी जिसे कई स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ाई की है, चाहे बेशक आपके CBSE के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम जनरेटेड रिजल्ट था उसके हिसाब से, ठीक है, काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, तो आप भी अच्छे से पढ़ें, ठीक है, चाहे बोर्ड हो या ऑनलाइन हो, बस आपको पढ़ना ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स, यानी कि एक एक्सप्लेनेशन, एक सुझाव या जो बात बताना चाहते हैं लेखिका, अबाउट द चिल्ड्रन चूजिंग द रिमेन बेयर फुट इज, यानी कि वो नंगे पैर क्यों घूमते हैं, ऐसा क्या है कि उनको नंगे पैर घूमने की आदत है, क्या है रीज़न? चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दे हैव नो मनी, उनके पास पैसा नहीं है। ऑप्शन बी ट्रेडिशन, एक रिवाज या परंपरा बन गई है। नो मैचिंग पेयर्स, कोई पेयर नहीं है उनके पास। लाइक टू वियर ओनली चप्पल्स, यानी कि वो चप्पल पहनना ही पसंद करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रेडिशन बन गया क्योंकि नंगे पैर घूमते हैं वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जस्ट हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 17। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है? हु आस्क दिस क्वेश्चन, किसने ये क्वेश्चन पूछा था लेखिका से? ऑप्शन ए साहिब्स मदर, साहिब की माँ ने। ऑप्शन बी साहिब्स फ्रेंड्स, साहिब के दोस्तों ने। ऑप्शन सी द ऑथर यानी कि लेखक ने, या ऑप्शन डी साहिब ने। तो विच इज़ द करेक्ट आंसर, हमने स्टोरी में पढ़ा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, साहिब ने खुद पूछा था, ठीक है, क्योंकि लेखिका ने कहा क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, है तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, है नहीं यहाँ पे खुलेगा तो मैं चला जाऊँगा। फिर वो पूछता है क्या तुम खोलोगे स्कूल, फिर नेक्स्ट टाइम पूछा क्या तुम्हारा स्कूल खुल गया, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा है, उसको इग्नोर करें। अच्छा नेक्स्ट वन, व्हाट वर साहिब्स एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली, यानी कि साहिब और उसका परिवार दिल्ली में क्या ढूंढ रहे थे? ऑप्शन ए डॉलर्स डॉलर्स, ऑप्शन बी रुपीस रुपीस, ऑप्शन सी पॉन्ड्स पॉन्ड्स, ऑप्शन डी गोल्ड गोल्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोल्ड, क्योंकि कभी कभी कूड़ा बीनते समय उन्हें सोना मिल जाता था, ठीक है। जैसे हैव अ लुक सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19वां, साहिब्स होम बिफोर दिल्ली वॉज, साहिब का घर दिल्ली से पहले कहाँ था? ऑप्शन ए बंगाल बंगाल में था, ऑप्शन बी उड़ीसा उड़ीसा में था, ऑप्शन सी ढाका ढाका में था, या ऑप्शन डी बिहार या बिहार में था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ढाका। सो बिफोर ही वो शिफ्टेड माइग्रेटेड टू दिल्ली द ऑथर ही लिव्ड इन ढाका, ठीक है, ढाका में रहता था। सी द नेक्स्ट वन, 20वां क्वेश्चन देखिए आप,
Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? This question was asked by the author to, यानी कि किससे पूछा गया ये question? लेखिका ने किससे पूछा था? Option A, the bangle seller, चूड़ी बेचने वाले से. Option B, महेश, महेश से. Option C, साहिब, साहिब से. या option D, साहिब's mother, साहिब की माँ से. तो obviously लेखिका ने किससे पूछा था? साहिब से पूछा था. Option C is the correct one. ठीक है. So the next one, just have a look, question number 21. थोड़े से ज़्यादा हैं इसके अंदर questions, but कोई बात नहीं, हम करेंगे अच्छे से, क्योंकि दो स्टोरी है, एक मुकेश की और दूसरी साहिब की है. See the next one, what is the dream, what is Mukesh dream? मुकेश का ड्रीम, यानी कि मुकेश का सपना क्या था? To be a doctor, वो डॉक्टर बनना चाहता था. To be a merchant, व्यापारी बनना चाहता था. To be a rogue, चोर बनना चाहता था, बदमाश. या to be a motor mechanic बनना चाहता था. तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं. जस्ट हैव अ लुक, सॉरी 21 कर लिया, 22 करते हैं. 22 क्या है? व्हाट इज़ द मींस ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में जो लोग रहते थे उनके सर्वाइवल का मतलब, सॉरी सर्वाइवल का मतलब उनके जिंदा रहने या बचे रहने का क्या मतलब था? ऑप्शन ए, वर्क काम. ऑप्शन बी, मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है जैसे कि व्यापार करना. ठीक है, मर्चेंडाइजिंग. उसके बाद ऑप्शन सी, एजुकेशन, शिक्षा. ऑप्शन डी, रैक पिकिंग, कूड़ा बीनना. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रैक पिकिंग, कूड़ा बीनना. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 23 करते हैं. 23, फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस था या विच इंडस्ट्री को लेकर सेंटर बना हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए, कॉटन इंडस्ट्री यानी कि रुई उद्योग. ऑप्शन बी, फर्नीचर इंडस्ट्री यानी कि फर्नीचर उद्योग. ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री. या ऑप्शन डी, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑब्वियसली जहाँ चूड़ियाँ बनती है तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री होगा. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं. What compels, क्या चीज़ मजबूर करती है the workers in बेंगल industry of फिरोजाबाद of poverty? ठीक है, यानी कि वो इतने गरीब हैं जो चूड़ियाँ बनाते हैं, इस उद्योग में काम करते हैं. तो ऑप्शंस पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है? कास्ट एंड एंसेंट्रल प्रोफेशन, यानी कि उनकी एक जाति है और उनका पुराना जो एक्सटर्नल, सॉरी एंसेंट्रल मतलब होता है कि उनके पूर्वज. ठीक है, उनके एंसेंटर्स यानी कि पापा, दादा, परदादा यही काम करते थे. ऑप्शन बी, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, जो समाज के ऊपर निर्भर था यानी कि वही काम था उनका. ऑप्शन सी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, जो कर्मचारी या फिर पॉलिटिशियंस राजनीतिक काम करते थे ये था, या फिर ऑल ऑफ दीज या सभी थे. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, यानी कि ये सभी थे. व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, यानी कि ये सभी थे. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं. 25 में देखिए, जैसे हैव अ लुक, हु इज मुकेश, मुकेश कौन था? ऑप्शन ए, स्टूडेंट, एक विद्यार्थी था. ऑप्शन बी, वर्कर, एक काम करने वाला कर्मचारी यानी कि कोई वर्कर था. ऑप्शन सी, बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला. या ऑप्शन डी, रैक पिकर, कूड़ा बीनने वाला. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज, सॉरी यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मुकेश था एक बैंगल मेकर. ठीक है, यानी कि उसके पापा, दादा सब चूड़ी बनाने का काम करते थे. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं. जैसे हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट वन, व्हाट मेक्स अ वर्किंग कंडीशन, यानी कि क्या चीज़ थी जो वर्किंग कंडीशन को लेकर द चिल्ड्रेन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक थी कांच के जो उद्योग थे. ऑप्शन ए, डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, यानी कि जहाँ पर बहुत तापमान होता था, टेम्परेचर होता था, और वहाँ पर लाइट भी नहीं होती थी, ना हवा होती थी. ऑप्शन बी, डेजलिंग एंड स्पार्किंग वेल्डिंग लाइट, यानी कि वहाँ पर चमकती हुई स्पार्किंग और वेल्डिंग की हुई, जैसे कि मान लो हम वेल्डिंग करते हैं कोई वस्तु, ठीक है, वो आँखों में चुभती है, आँखों में जलन भी होती है. ऑप्शन सी, हाई टेम्परेचर. या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी थे. तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. ऐसा सभी कुछ था वहाँ पर, ना लाइट थी प्रॉपर, हवा नहीं थी, टेम्परेचर ज़्यादा था. ठीक है, चलिए सी द नेक्स्ट वन. 27 देखिए, हु एम्प्लॉयज़ द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि
कौन इन्हें काम देता था, जो यहाँ के लोग थे लोकल फैमिलीज़ के, फिरोज़ाबाद के, यानी कि इन्हें कौन काम पर रखता था। फर्स्ट ऑप्शन ए ब्यूरोक्रेट्स कर्मचारी, ऑप्शन बी मर्चेंट्स व्यापारी, ऑप्शन सी पॉलिटिशियंस राजनीतिज्ञ जो राजनीति में पॉलिटिक्स में काम करते हैं, या ऑप्शन डी द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए सी द नेक्स्ट वन, 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश, क्या प्रयास उसकी मदद करते मेटरलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर, जिससे वो एक कार ड्राइवर का सपना पूरा कर सकता था बनने का। फर्स्ट हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती उसे, या ऑप्शन बी गोइंग टू गैरेज या गैरेज जाता, या ऑप्शन सी गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, उसका मालिक उसे अच्छे से गाइड करता, या ऑप्शन डी ऑल दिस। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी उसके लिए, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, सभी आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन 29 देखिए। व्हाई डिड साहिब लीव ढाका, साहिब ढाका क्यों छोड़ देता है। ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पर साधन कम थे, संसाधन। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, वहाँ पे पर्याप्त खाना नहीं था। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की वजह से, या बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की वजह से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वो किस वजह से छोड़ता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, वहाँ पे पर्याप्त खाना नहीं था। ठीक है, सीधे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30वां देखिए। व्हाट फोर्स साहिब टू बी ए रैक पिकर, यानी कि क्या बात मजबूर करती है कि साहिब को कूड़ा बीनने का काम करना पड़ता है। ऑप्शन ए हार्डवर्क मेहनत, ऑप्शन बी डेस्टिनी उसकी किस्मत, ऑप्शन सी पीपल अराउंड हिम उसके आसपास के लोग, या ऑप्शन डी एक्यूट पॉवर्टी यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन यानी कि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी एक्यूट पॉवर्टी यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। Why did साहिब go through garbage dump, यानी कि साहिब ये कूड़ा बीनने का काम करता था, क्यों वो बस कूड़े में ही हमेशा टाइम पूरा स्पेंड करता रहता था, या उसको क्या कुछ शौक था। तो ऑप्शन देखते हैं, टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, वो चांदी के सिक्के ढूंढने की कोशिश करता था। ऑप्शन बी अ रुपी, वो पैसे ढूंढने की कोशिश करता था, या अ 10 रुपी नोट, या वो 10 रुपये का नोट ढूंढने की कोशिश करता था, या फिर ऑल ऑफ दीज, या वो सभी कुछ ढूंढने की कोशिश करता था। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि वो सिल्वर कॉइन भी चाहता है ढूंढना, रुपीज़ भी चाहता है, और 10 रुपीज़ का नोट भी। तो हमारा डी आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32 जैसे हैव अ लुक। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज, यानी कि ये लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल क्या बताता है हमें। ऑप्शन ए लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी कि बचपन जो खिलने से पहले ही ख़त्म हो गया, जैसे छोटे छोटे नन्हे फूल होते हैं वो खिलते हैं, आसपास के वातावरण को अच्छा बनाते हैं, है ना, और जैसे सुगंधित माहौल हो जाता है। लेकिन बच्चों का बचपन शुरू होने से पहले, खिल खिलाने से पहले, लाइफ में आगे कुछ करने से पहले ही ख़त्म हो गया। या फिर ऑप्शन बी ऑटम सीजन, पतझड़, या लॉस्ट मनी यानी कि पैसा खो गया, या लॉस्ट एज यानी कि एज ख़त्म हो गई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, जो बचपन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। व्हाट डू द बॉयज अपेयर लाइक टू ऑथर इन द स्टोरी, यानी कि बच्चों को कैसे अपेयर किया गया स्टोरी के अंदर। फर्स्ट मॉर्निंग क्रोस, सुबह के कौवे, बी इवनिंग क्रोस, शाम के कौवे, क्रोस मतलब कौवे, सी मॉर्निंग बर्ड्स सुबह के पक्षी, डी इवनिंग बर्ड्स यानी कि शाम के पक्षी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। दिस हैव अ लुक, वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड, साहिब कहाँ पर काम करता था। ऑप्शन ए एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी, चाय की दुकान पर सीमापुरी में। ऑप्शन बी एट ए साड़ी शॉप यानी कि साड़ी की दुकान पर। ऑप्शन सी एट ए ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी की दुकान पर। या ऑप्शन डी अ स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान पर। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एट ए टी स्टॉल इन ए सीमापुरी, चाय की दुकान पर काम करता था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। जस्ट हैव ए लुक, व्हाई डिड साहिब अ आलम, साहिब ए आलम नॉट टू गो स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं गया, साहिब ए आलम स्कूल क्यों नहीं गए थे। ऑप्शन ए नॉट इंटरेस्टेड, उनकी रुचि नहीं थी। ऑप्शन बी हैड नो मनी टू पे फीस, उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। या ऑप्शन सी वॉन्टेड टू गो फॉर मूवी, या वो मूवी देखना चाहते थे।
या फिर ऑप्शन डी वॉन्टेड टू अर्न मनी, वो पैसे कमाना चाहते थे। 35 का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, हैड नो मनी टू पे फीस, उनके पास पैसे नहीं थे फीस पे करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर, साहिब क्या ढूंढ रहे थे। ऑप्शन ए एग्स अंडे, ऑप्शन बी गोल्ड सोना, ऑप्शन सी कॉइंस सिक्के, ऑप्शन डी टॉयज खिलौने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 36 का, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, गोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। जिस हैव अ लुक, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए कूड़ा क्या था। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन ए मींस ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मनोरंजन था। मींस ऑफ टाइम पास, टाइम पास करने का साधन। मींस ऑफ प्लेइंग खेलना, या अ वंडर हैरान करने वाली बात। सो 37 का आंसर है हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, अ वंडर यानी कि हैरानगी। ठीक है, पता नहीं क्या मिलेगा आज, पैसे मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, कोई कीमती वस्तु मिलेगी, लाइक दिस। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुने और समझे और करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि क्या बात मजबूर करती थी कि वो ऐसा विनाशकारी बहुत बुरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऑप्शन ए ग्रीड लालच, ऑप्शन बी एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ज़्यादा गरीबी, ऑप्शन सी पीयर्स, ठीक है, ये ऑप्शन डी पेरेंट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, जस्ट हैव अ लुक, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, यानी कि लेखिका ने क्या एनालाइज किया स्टोरी के अंदर। क्वेश्चन ए रिच पीपल, क्वेश्चन बी सॉरी ऑप्शन ए रिच पीपल अमीर लोग, ऑप्शन बी गार्बेज कूड़ा, ऑप्शन सी पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लोइटेशन गरीब बच्चे और उनका शोषण, या ऑप्शन डी हर वर्क्स अपना काम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 40, जस्ट हैव अ लुक, हु इज़ द ऑथर लॉ स्प्रिंग, यानी कि लेखक या लेखिका कौन है इस लॉ स्प्रिंग चैप्टर की। ऑप्शन ए जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड है। ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय है। ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति है। ऑप्शन डी अनीस जंग, अनीस जंग है। तो जस्ट हैव अ लुक, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनीस जंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दो तीन बार। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डिड द एनीस जंग सी इन साहिब, यानी कि वो साहिब में क्या देखती है। ठीक है, व्हेन शी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जब वो देखती है अपने उसके नेबरहुड क्लब के पास उसे देखती है। शी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी कि अपने पड़ोस के क्लब के पास उसे खड़ा हुआ। ऑप्शन ए एज इफ लॉस्ट इज फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी खो चुका है। ऑप्शन बी लॉस्ट ऑनरशिप, वो अपनी स्वतंत्रता खो चुका है यानी कि वो खुद का मालिक था। ऑप्शन सी लॉस्ट जॉय, खुशी खो चुका है। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी खो चुका है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑल ऑफ दीज, ये सभी खो चुका है। जस्ट हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट वन, 42, What is a metaphorical symbolic symbol of the Simhapuri in this lesson? यानी कि इसके अंदर metaphorical symbol क्या है, प्रतीक क्या है। Option A poverty गरीबी, Option B exploitation शोषण, Option C enjoyment entertainment यानी कि मनोरंजन, Option D a little hell यानी कि थोड़ा सा नरक के समान, थोड़ा क्या यार पूरा ही नरक था एक तरह से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, a little hell यानी कि थोड़ा सा नरक। ठीक है, 43 देखिए। How is the Mukesh attitude different from that of his family? यानी कि मुकेश का जो दृष्टिकोण था अपने परिवार से बिल्कुल अलग क्यों था। ऑप्शन ए being daring, firm and clear, वो साहस रखता था, दृढ़ संकल्प वाला था और बिल्कुल स्पष्ट क्लियर था। Being a fighter, वो एक योद्धा था। ठीक है, being a coward, वो कायर था, या not clear, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए being daring, firm and clear, यानी कि उसको अपना भविष्य बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। See the next one. Just have a look. The question number 44. The city of Firozabad is famous for what? City of Firozabad किस चीज़ के लिए famous था?
फोर कास्टिज्म यानी कि जातिवाद को लेकर, फोर रैक पिकर्स कूड़े जो बीनने आते थे उनको लेकर, फोर पॉवर्टी गरीबी को लेकर, फोर बैंगल्स यानी कि चूड़ियों को लेकर। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है 44 का डी, फोर बैंगल्स। ठीक है, चलिए सीधे नेक्स्ट वन, 45 द लास्ट वन ऑफ दिस लेसन, क्वेश्चन नंबर 45। थोड़े ज़्यादा थे कोई बात नहीं। What are the reasons for the migration of the people from village to city in the lesson? यानी कि गांव से शहर की ओर पलायन यानी कि जाने वाले लोगों के पीछे रीज़न क्या थे? ऑप्शन ए स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, झाड़ू लगाना घरों में या फिर बाहर जहां तूफान आ गए हैं। ठीक है, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज यानी कि गांव बिल्कुल बहा दिए गए, ख़त्म हो गए तूफान से, उनके खेत भी समाप्त हो गए। स्वीपिंग का मतलब झाड़ू लगाने, लेकिन यहाँ पर तूफान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। बी मनी पैसा, सी एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन यानी कि शिक्षा और बेरोजगारी, ऑप्शन डी सेफ्टी या उनकी सलामती। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, स्वीपिंग ऑफ हाउसेस, उनके घर बिल्कुल साफ हो गए थे एंड फील्ड्स खेत बर्बाद हो गए थे बाय स्टॉर्म तूफान से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने कर लिए हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन इस लेसन के। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया है। अगर आपको समझ आ गया तो आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करें अच्छे से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे। टिल देन गुड बाय, बाय।